गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप सबको एक ऐसी जगह लेके चलने वाली हूँ जिसे ब्रज धाम का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं और इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन की, और पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। और यही कारण है कि अनादिकाल से ही ये स्थान भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। और इस पावन स्थली का नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में भी बहुत ही रोचक कथा है। दोस्तों, वृंदा असल में तुलसी को कहते हैं, और प्राचीन काल में इस स्थान पे तुलसी का घना वन था, इसलिए इस जगह को वृंदावन कहा जाने लगा। और इतना ही नहीं, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा अर्थात राधा है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है। यही कारण है कि वृंदावन में प्रवेश करते ही यहाँ के कण कण में आपको भक्ति और प्रेम का एहसास होने लगता है। तो उसी भक्ति और प्रेम के साथ राधे राधे कहते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपको वृंदावन तक पहुँचना कैसे है, वहाँ कहाँ रुकना है, वहाँ खाने पीने की आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, वहाँ कहाँ कहाँ आपको दर्शन करना है। साथ ही साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बिना देर किए हुए जान लेते हैं कि आपको वृंदावन पहुंचना कैसे। तो गाइस, वृंदावन पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं, फ्लाइट, ट्रेन और बस। इनमें से किसी भी साधन का उपयोग करके आप वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। सो गाइस, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो वृंदावन का निकटतम हवाई अड्डा आगरा का खेरिया हवाई अड्डा है, जो कि वृंदावन से करीब 53 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ पहुँचने के बाद आपको वृंदावन तक के लिए टैक्सी या बसेस ईजिली मिल जाएंगी। एंड गाइस, अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो वृंदावन का निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जो कि उत्तर भारत के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और यहां से आपको वृंदावन तक के लिए टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी, जो कि आधे एक घंटे में आपको वृंदावन पहुंचा देंगी। एंड गाइस, अगर आप बस से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न शहरों से वृंदावन या मथुरा तक के लिए बसेस इजीली अवेलेबल है। और फिर भी अगर आपको आपके शहर से वृंदावन या मथुरा तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, उस केस में आप दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली से आपको वृंदावन और मथुरा दोनों ही जगहों के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। और दोस्तों, बात करें अगर हम मथुरा से वृंदावन की दूरी की, तो ये करीब 15 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में आपको करीब 30 से 45 मिनट का समय लगेगा। और इसके लिए आप वृंदावन जाने वाली बस से लेकर ऑटो रिक्शा या टैक्सी किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप बस या शेयर्ड ऑटो से जाते हैं तो उसका किराया आपको 30 से 70 रुपए के बीच पड़ जाएगा। वहीं अगर आप ऑटो बुक करके जाते हैं या फिर कैब प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 300 से 1000 के बीच पड़ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब वृंदावन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों, वृंदावन एक प्रमुख धार्मिक नगर होने के कारण यहाँ पे आपको होटल और धर्मशाला दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो बजट होटल्स यहाँ पे आपको 600 से 1000 के बीच में जाएंगे। लेकिन अगर आप और कम में ठहरना चाहते हैं तो आपको धर्मशाला में रुकना होगा, जिसकी कॉस्ट आपको 300 से 400 के बीच पड़ जाएगी। एंड गाइस, बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो यहाँ पे आप अपने दिन की शुरुआत एकदम पारंपरिक देसी नाश्ते के साथ कर सकते हैं। नाश्ते में आप यहाँ जलेबी, दही, कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी आदि खा सकते हैं। और बात करें अगर हम थाली सिस्टम की, तो उसकी कॉस्ट आपको 100 से 150 के बीच पड़ जाएगी। एंड गाइस, अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो यहाँ के पेड़ों का स्वाद चखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ के पेड़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एंड गाइस, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बांके बिहारी मंदिर के लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, तो अपने जूते, चप्पल होटल या गाड़ी में ही छोड़कर कोशिश करें नंगे पैर ही दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण आपके जूते चप्पल यहाँ खो सकते हैं, या फिर जूते चप्पल आदि के स्टैंड पे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप नंगे पैर ही दर्शन करने के लिए जाएं। और इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से प्रसाद ले लेना है, और प्रसाद में दोस्तों आप माखन, मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े और फूल आदि लेकर जा सकते हैं, जो कि आपको यहीं मंदिर के बाहर से ही मिल जाएंगे। एंड गाइस, वैसे तो मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउ है, लेकिन बांके बिहारी जी की फ़ोटो खींचने की मनाही है, तो आप वहाँ कैमरे का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड गाइस, आपको यहाँ पे श्री बांके बिहारी मंदिर में बंदरों से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि वो कुछ भी छीन के भाग सकते हैं।
और इसके बाद आप यहीं पास में विजिट कर सकते हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर, जो कि वृंदावन में द्रविड़ शैली में बना एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर सन 1851 में सेठ गोविंद दास जी और सेठ राधा कृष्ण जी के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से प्रेरित है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये मंदिर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशंस का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। तो आपको अपनी वृंदावन की यात्रा के दौरान एक बार इस मंदिर में ज़रूर विजिट करना चाहिए। और इसके बाद आप यहां से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर विजिट कर सकते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर, जो कि वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1585 में हुआ था। इस मंदिर के निर्माण के लिए सुंदरदास भटनागर को अकबर के दरबार की अनुमति मिली थी और इसकी स्थापना गोस्वामी हित हरिवंश महाप्रभु जी ने की थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये प्राचीन मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला में हिंदू और इस्लाम के बीच का जीवंत संवाद है। इस राजसी मंदिर को लाल सैंडस्टोन के साथ बनाया गया है, जो तब केवल शाही इमारतों, उच्च महलों और शाही किलों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो आप भी इस मंदिर में जाकर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, आप यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शरद पूर्णिमा की उज्ज्वल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था और इस महारास को देखने की इच्छा से ही भगवान शिव ने एक गोपी का रूप धारण कर लिया था और उसी घटना की स्मृति में ये शिव मंदिर बनाया गया है। तो आपको यहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन ज़रूर करने चाहिए। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं निधि वन, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण यहाँ रासलीला रचाने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, भक्तों और स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण रात में यहाँ रासलीला करने के लिए आते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि यहाँ के बंदर भी रात की आरती के बाद निधि वन छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रचलित मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रात के समय जो भी मंदिर में रह जाता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर अपने सुनने समझने की शक्ति खो देता है। और दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं इस्कॉन टेंपल, जो कि वृंदावन में ही निधि वन से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको निधि वन के बाहर से ही काफ़ी सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपसे 15 से 20 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको इस्कॉन टेंपल पहुँचा देंगे। और दोस्तों, इस्कॉन टेंपल के बाहर से ही आपको बहुत सारे देसी विदेशी श्रद्धालु हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते हुए श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए दिख जाएंगे। एंड गाइस, यहाँ मंदिर में जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको जूते चप्पल का स्टैंड देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार के और इसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करके वहाँ पे आप भी श्री कृष्ण के रंग में रंग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा भक्तिमय माहौल मिलने वाला है। और इसके बाद आप यहीं पास में विजिट कर सकते हैं श्री राधा रमन मंदिर, जो कि वृंदावन में भगवान कृष्ण को समर्पित एक आधुनिक मंदिर है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ही राधा रमन माना जाता है, जिसका अर्थ है राधा को प्रसन्न करने वाला। और इस मंदिर में आपको श्री गोपाल भट्ट की समाधि भी देखने को मिल जाएगी, जो कि राधा रमन की मूर्ति के ठीक बगल में स्थित है। ये मंदिर रोज़ाना सुबह 8 बजे खुल जाता है और लगभग दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते, फिर शाम को ये मंदिर 6 बजे से रात के 8 बजे तक पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। एंड इसके बाद गाइस, आप इस्कॉन मंदिर से मात्र 700 मीटर की दूरी पर स्थित प्रेम मंदिर जा सकते हैं, जो कि यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। और दोस्तों, प्रेम मंदिर तक आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप ऑटो भी करके जा सकते हैं, जिसके लिए ऑटो वाला आपसे 10 रुपये तक चार्ज करेगा और आपको प्रेम मंदिर पहुँचा देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप कोशिश करें कि प्रेम मंदिर आप शाम के टाइम विजिट करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ शाम के टाइम काफ़ी अच्छी लाइटिंग की जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि शाम के टाइम प्रेम मंदिर 4 बजे के बाद खुलता है और दिन ढलने के साथ ही आप यहाँ की खूबसूरत लाइटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रेम मंदिर के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं।
और दोस्तों दोपहर में जो आपके पास समय बच रहा है इस दौरान आप इस्कॉन मंदिर से मात्र 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं माँ वैष्णो देवी धाम, जो कि बहुत ही भव्य बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक गुफा देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको देवी के 9 रूपों के दर्शन करने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मंदिर में किसी भी तरह का मोबाइल फोन या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप अपना मोबाइल फोन या कैमरा जमा करा के वहाँ से टोकन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप वृंदावन में परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही महात्मा है जिनके यहाँ कुछ समय पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन महात्मा जी ने उन्हें नहीं पहचाना, जिसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कौन है। तो अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान से अलग या भगवान की महिमा से अलग हटकर महात्मा जी किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं, वे भगवान में ही रम जाते हैं और उनकी भक्ति में ही रमे रहते हैं। और वृंदावन वाले इसी महात्मा का नाम है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। पिछले 17 सालों से उनकी डायलिसिस चल रही है और ऐसा नहीं है कि उनको किडनी डोनेट करने वाले उनके भक्तों की कोई कमी है, लेकिन स्वयं प्रेमानंद जी महाराज अपनी एक किडनी को राधा और दूसरी को कृष्ण मानते हैं। और उनका ऐसा विचार है कि वो अपने राधा कृष्ण को अपने से कैसे अलग कर दें, और यही कारण है कि उन्होंने अब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया है। और सच पूछिए तो ये हमारे राधा कृष्ण जी की ही महिमा है कि जिस व्यक्ति की 17 सालों से डायलिसिस चल रही है वो आज भी जीवित और स्वस्थ हैं। तो अगर आप भी श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के इस पते पर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। हालांकि महाराज जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं, परंतु महाराज जी ने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। और उन्होंने एक आध्यात्मिक संगठन की भी स्थापना की है जिसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यों और पहलों के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। ये संगठन लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करता है। तो अगर आप भी इस संगठन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या इस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर दी गई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको वृंदावन के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा वृंदावन विजिट करने के लिए। तो गाइस, एक दिन का ट्रिप आपके वृंदावन की विजिट के लिए सफिशिएंट रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप वृंदावन घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप मथुरा, गोवर्धन पर्वत और बरसाना को भी अपनी इस ट्रिप में कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इन जगहों को कवर नहीं करने वाली हूँ, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इन जगहों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो हमारी आगे की आने वाली वीडियोस में आपको मथुरा, गोवर्धन पर्वत और बरसाना भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इन वीडियोस को स्किप नहीं करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड गाइस, वृंदावन घूमने के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च के बीच का, क्योंकि गर्मियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से आपको यहाँ घूमने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आप मार्च के टाइम पे आ रहे हैं यानी कि होली के टाइम पे, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आपको होली और जन्माष्टमी के टाइम यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की तो वृंदावन घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपकी फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया या फिर अगर आप यहाँ किसी भी तरह की खरीदारी करते हैं तो उसका खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है मथुरा, गोवर्धन पर्वत और बरसाना के ऊपर। So till then, stay happy, stay fit and keep traveling.